जनपद मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल सुरेहा ने एक शिकायती पत्र अधिकारियों को सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल सुरेहा ने शिव सैनिक वीरेंद्र अरोड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल सुरेहा का आरोप है कि पूर्व में शिवसेना के पदाधिकारी वीरेंद्र अरोड़ा को पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित होने के बाद भी शिवसेना की आड़ में शिव सैनिक विभिन्न कंपनियों के नकली बेरिंग बनाकर बेचता है। इसके साथ वेश्यावृत्ति, सट्टे की खाड़ी बाड़ी व हरियाणा मार का शराब बेचने का अवैध धंधे में लिप्त है। इतना ही नहीं, शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल सुरेहा ने आगे आरोप लगाया है कि मार्केट के व्यापारियों से पार्टी में झूठी शिकायत करने का भय दिखाकर अवैध वसूली करता है व उनसे रंगदारी मांगता है। जिला प्रमुख ने बताया कि सभी गतिविधियों के चलते शिव सैनिक वीरेंद्र अरोड़ा को पार्टी ने 25 जुलाई 2016 को निष्कासित कर दिया था। निष्कासित होने के बाद भी शिव सैनिक पार्टी की छवि अभी भी काफी धूमिल कर रहा है और अपने आप को शिवसेना का जिला प्रमुख बता रहा है और प्रशासन को पूरी तरह से गुमराह कर रहा है। लिहाजा प्रशासन से मांग है कि ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। आज जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, क्या मांग है आप? जी, डॉक्टर रामेश्वर दयाल सुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव साहब को ज्ञापन दिया है और जिला कारागार, DIOS, चिकित्सा अधिकारी, परिवहन अधिकारी, तमाम यहाँ मुरादाबाद के जो वरिष्ठ कार्यालय हैं अधिकारी, उनको हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञात हो कि विगत 2016 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जो पूर्व जिला प्रमुख था शिवसेना का वीरेंद्र अरोड़ा, उसे माननीय शीर्ष नेतृत्व ने उसे निष्कासित कर दिया है। लेकिन फिर भी वह शिवसेना की आड़ लेकर आज भी शिवसेना का दुरुपयोग कर रहा है, जिला प्रमुख का और विभिन्न कार्यालयों में जाकर अनावश्यक दबाव बनाता है। याद हो कि अपने निवास स्थान पर नकली बैरिंग बेचता है, सट्टे की खाईवारी करता है, वैश्यवृत्ति का धंधा करता है, हरियाणा माल का दारू बेचता है। पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन पुलिस स्थानीय पुलिस का इसे संरक्षण प्राप्त रहता है और मुरादाबाद के एक बहुत बड़े कारोबारी का भी इसके सर पर हाथ रहता है। आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर शीघ्र ही इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो भविष्य में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।